हमारा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। अब तो गाड़िया में 2 तरफ खड़िया भर का स्टोरेज भी होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं हूं पौनेश कुमार और आप देख रहे हैं स्पाइस रिएक्शन। आज इस वीडियो में मजा आने वाला है, जो झंड जी का न्यू वीडियो आ गया है जिसका नाम है ढोड़ी में 32 GB रैम। चलिए हम भी देखते हैं 32 GB वाली ढोड़ी कैसी है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा ढोड़िया में 32 GB रैम बा। ढोड़िया में 32 GB रैम बा। अब तो गाड़िया में 2 तरफ खड़िया भर का स्टोरेज भी होगा। नहीं जब मैडम इतने खुले विचारों की हैं तो खुल के बात करो ना, शर्माने वाली क्या बात है। वैसे ये भी पूछ लेना कि मैडम चार्जरवा के पिनिया कहाँ खुसवाती है। क्या हाल है, ठीक है दोस्तों? धरती पर जन्मे लगभग हर प्राणी के शरीर में कम से कम एक ढोड़ी तो होता ही है। क्या बात कर रहे हैं? शायद सही जवाब। पर घंटा किसी को पता है कि उसका यूज क्या है? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। पर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव है। तो शरीर के किस अंग का इस्तेमाल कैसे करना है, कोई इनसे सीखे। है तो आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर परम पूजनी श्री श्री ढोड़ी महाराज के बारे में। ढोड़ी शरीर का वो अंग है जिसके कंधे पर दुनिया के सबसे बड़े एल्बम इंडस्ट्री का भार है। पिछले 25 साल से बिना रुके और बिना थके इस भार को ढोए जा रहा है। ढोड़ी भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में सफलता के द्वार की चाबी है। तो इस इंडस्ट्री में बिना ढोड़ी के सफल होने की कल्पना करना भी 7 खून के अपराध के बराबर है। भोजपुरी के सबसे बड़े बड़े शीर्ष के सुपरस्टार भी इसी ढोड़ी के द्वार से होकर गुजरे हैं। और आज भी जब भी उन्हें ढोड़ी की सेवा का अवसर प्राप्त होता है वो बाव नहीं जाने देते हैं। साले सारी तारीफ तू ही कर लेगा या पब्लिक को भी मौका देगा? सही बात है, सही तो बात। साले बैठे बैठे मूंगफली तोड़ रहे हो, कुछ लगाओगे तब तो बोलूंगा। हमारा ढोड़िया में 32 GB रैम बा। अच्छा एक बात बताओ मैडम, ये जो हमारे वीडियो एडिटरवा है ये आपके ढोड़िया में चल जाएगा कि नहीं? नहीं, क्या है कि हमारा जो मोबाइलिया है ना, ये ससुरा खाली 4 GB रैम वाला है और जब भी एडिटिंग करने बैठता हूँ तो बहुत अटकता है, साला हैंग हो जाता है। इनके ढोड़ी में अगर एडिटर चलने लगा तो तुझे धरती से हाथ धोना पड़ेगा। काहे? काहे कि मैं एडिटिंग सीखने चला जाऊंगा। सही बात है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना सनी लियोनी ने अपना जॉब छोड़ दिया। हाँ, मिया खलीफा भी अब संन्यास लेने वाली है। हाँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। नहीं माना कि भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में गाना चोरी करने का बहुत पुराना रिवाज है, पर अब तुम लोग इतने बड़े चोर हो गए कि मिया खलीफा और सनी लियोनी के भी कंटेंट चुराने लगे। समाज में थोड़ी थू था होती है लेकिन काम बन जाता है। ढोड़ी में 32 GB रैम बा और ओकरे नीचे ब्लूटूथ सेम बा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। नहीं ठीक है, डाटा वहीं से ट्रांसफर होता है तो एक बार हम उसको ब्लूटूथ का एक अलग वर्जन मान लेते हैं। अच्छा, बट जब तुम लोग ढोड़ी चोली चड्डी मिसना मसलना तक पहुँच गए हो तो उसका नाम लेने में क्या दिक्कत है, वो भी बोल ही दो। अरे ये लोग तो चाहते ही है खोल के बोल देना, बट क्या करें, कानून नाम की भी कोई चीज होती है और YouTube की भी अपनी पॉलिसी है, वरना ये लोग तो 26 घंटा तैयार बैठे हैं बोलने के लिए। पहली बार इसकी बात से मैं एग्री हुआ हूँ। पूरी इंडस्ट्री 32 GB तक पहुंच गई और ये अभी 16 GB पे अटकी हुई। ये नोकिया कंपनी का ढोड़ी होगा। नहीं, ढोड़िया में 16 GB, 32 GB, 36 GB तो सब बता रही है।
पर रेट कोई नहीं बता रही है। चुप है साले असली आदमी, साले ढोनी का रेट पूछते हैं। सॉरी सॉरी गलती हो गया। अरे अगर पूछना ही है तो उस ब्लूटूथ का रेट पूछो। यही होता है जब पैदा होने से पहले ही जॉनी सिंस बनने का प्रयास करते हो तो। लहंगा और स्कर्ट में फर्क ही नहीं पता होता है। नहीं, दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने, साइंटिस्ट बने। और एक इनके माँ बाप है, जॉनी सिंस का सस्ता वर्जन चाहिए इनको। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, नेता वेता बनो और देश को लूटो। सॉरी इतना सच नहीं बोलना था, तौबा तौबा, थारा मिजाज हरियर हो गया। बहुत बुरे लग रहे था। तो पढ़ाई लिखाई करो, आईएस वाईएस बनो और घूस खाओ। सॉरी देश संभालो। अरे तो तुम क्या चाहते हो कि गधे का सिंह रहे उसके पास? गधे का सिंह होता ही नहीं है। अरे तो कुछ तो होता होगा गधे के पास। हाँ, सिंह के जैसा ही एक और काफी मशहूर चीज होता है गधे के पास। नहीं मतलब सब लड़की लेखा तुहरो तो सेम बा। पौने 3 घंटा पहले पैदा हुए हो और सब लड़की का कैसा होता है पता चल गया? नहीं, हम पहले कह रहे थे गधे के बच्चे। ले ये भी तो वही है। नहीं नहीं, ये वाला मस्त है। अरे क्या मस्त है यार, वही गाना तो है। अच्छा गाना, मैं समझा ढोंढी की बात कर रहा है। अगर एक को धान खड़े घुस गया ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पाधे कहां से। नहीं अब बस ढोड़ी में घोड़ी दौड़ाना बाकी रह गया है, बाकी सब तो हो ही रहा है। पूछो, एक दिन के लिए भाड़े पर देंगी, चुनावी रैली करवाना है उसी में। मुंह देखो एक बार, ढोड़ी पे धान पीटने पे ऐसी ही शक्ल बनती है। इतने भी मूर्ख नहीं है हम। संस्कारी वीडियो पर भले ही सरकार ने रोक लगा दिया हो, पर इतना तो हम समझते हैं कि ऐसी शक्ल कब बनती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ढोड़ी के नीचे कल दर्शन धरती। अबे कहाँ जा रहे बे? अबे दर्शन करने जा रहा हूँ, गाड़ी खड़ी है। लगता है दर्शन करवाना चाहते हैं भैया। वो तो गया दर्शन करने, तो आप लोग भी इमेजिनेशन में कुछ दबा ही लो। नीचे देखो लाइक का बटन होगा, दबाओ। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनके लिए ऑफर है, दो दो चीज़ें दबाने को मिलेगी। लाइक बटन भी दबा लो और सब्सक्राइब बटन भी दबा लो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन वाला दरवाज़ा खोलोगे ना तो उसमें हवेली का लिंक भी है, आओ कभी। तो बस हाँ, लाइक करना ज़रूर। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो बहुत मज़ा आ गया देखकर वीडियो, पूरा दिमाग फ्रेश हो गया है इनके हंसी से, जितने मस्त रोस्ट किए हैं। तो प्लीज़ इसी के साथ हम भी बोलने वाले हैं कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। और झंड जी को आप बहुत अच्छे से मानते हैं, पहचानते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए उनके बारे में, चाहे उनके कौन सा पार्ट अच्छा लगा, मस्त रोस्ट किए हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और झंड जी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इसी तरह झंड जी का हम नया वीडियो लेकर आते रहें। तो इसी के साथ